फ्री डोमेन एडसेंस अप्रूवल, blogspot.com वाली डोमेन के ऊपर एडसेंस का अप्रूवल यहाँ पे मिला है, कितनी पोस्ट पे मिला है, कौन सा टेम्पलेट यूज हुआ है, कौन कौन सी सेटिंग हुई है, ए टू जी आपको दिखाते हैं और कौन कौन से पेजेस यहाँ पे क्रिएट किए गया है, ए टू जी हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करना, इस ब्लॉग का रिव्यू करके दिखाते हैं कि कैसे आप लोगों को भी फ्री वाली blogspot.com वाली फ्री की डोमेन के ऊपर एडसेंस का अप्रूवल मिल सकता है। अगर आप भी इन चीज़ों को फॉलो करते हो जो इस वाली वेबसाइट के ऊपर, इस वाले ब्लॉग के ऊपर फॉलो की गई है, इन रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करते हो, तो यार आप लोगों को भी 101% गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल के रहेगा। तो चलो यार विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको दिखाते हैं एडसेंस अप्रूवल कैसे मिल सकता है आपको। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले एक ही बात कहूँगा जो अपनी हर वीडियो में आपसे कहता हूँ, चैनल पे पहली दफ़ा आयो तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप तक आ सके। इस सब्सक्राइब के बटन को चाहे तोड़ो, चाहे फोड़ो या फिर आगे लगा दो, मुझे कोई इशू नहीं, चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल एडसेंस की कॉन्ग्रेचुलेशन वाली ईमेल दिखा दी जाए। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि इस वाली डोमेन के ऊपर blogspot.com वाली डोमेन पे हमें एडसेंस का अप्रूवल मिला। ये सेम डोमेन है जो मैं ब्लॉग का रिव्यू करके दिखाने लगा हूँ। उसके बाद इस ब्लॉग के गूगल एडसेंस के होम का इंटरफेस आपको दिखा दिया जाए। यहाँ पे अर्निंग अभी स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि इस पर अभी ट्रैफिक आना स्टार्ट नहीं हुआ, ट्रैफिक आएगा तो अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर आपको इस ब्लॉग के गूगल सर्च कंसोल का डेटा दिखाया जाए तो 271 क्लिक्स हुए हैं यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल के थ्रू, यानी गूगल सर्च के थ्रू यहाँ पे 271 क्लिक्स आया है। फ्री डोमेन के ऊपर इतने क्लिक्स भी स्टार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर आपको स्टार्ट में इतने क्लिक्स आ जाए तो यार 2 से 3 मंथ के अंदर अंदर आपकी वेबसाइट गूगल की सर्च में रैंक होना स्टार्ट हो जाती है। तो अब यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और आपको पूरे का पूरा रिव्यू करके दिखाते हैं इस ब्लॉग पे क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, टेम्पलेट कौन सा है, पोस्ट कितनी है, आर्टिकल लिखा कैसे गया है, ए टू जी आपको दिखाते हैं। तो यार यहाँ पे हम इस ब्लॉग पे आ चुके हैं। व्यू ब्लॉग के बटन में प्रेस करके आपको दिखाऊँ, सबसे ऊपर सबसे पहले आप डोमेन नेम देखो, यहाँ पे blogspot.com वाला डोमेन है, यानी कि फ्री वाला डोमेन है आपके सामने। यहाँ पे एडसेंस के ऐड लगे हुए हैं, एड्स बाय गूगल यानी कि एडसेंस का अप्रूवल है, देख लो नीचे भी एड्स बाय गूगल, यहाँ भी एड्स बाय गूगल। कोई आर्टिकल ओपन करके दिखाऊं तो इसके अंदर भी विग्नेट ऐड आ रहा है, उसे क्लोज करने के बाद यहाँ पे आर्टिकल ओपन हो रहा है और नीचे से फिर से एक ऐड आ रहा है एड्स बाय गूगल, देख लो ये आर्टिकल लिखा हुआ है। अभी आर्टिकल्स के अंदर एड्स का सेटअप नहीं किया, ऑटो ऐड लगे हुए, मैनुअल एड्स यहाँ पे नहीं लगाए। तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं आके अपने ब्लॉग के ऊपर यहाँ पे हमने क्या क्या काम कर रखा है। सबसे पहले अगर पोस्ट के अंदर आते हैं तो पोस्ट के अंदर आपको दिखा दिया जाए 31 पोस्ट इसमें हमने लिखी हुई है। 31 पोस्ट ऐसे है कि यहाँ पे सबसे पहली पोस्ट यहाँ पे जून 23 में हुई, यानी 2 मंथ पहले, और 2 मंथ के अंदर अंदर यहाँ पे blogspot.com वाली डोमेन के ऊपर एडसेंस का अप्रूवल मिला। देख लो फर्स्ट पोस्ट के ऊपर व्यूज भी कुछ आए हैं थोड़े बहुत, उसके बाद इतने खास व्यूज नहीं आए, देख लो यहाँ पे व्यूज है लेकिन इतने खास नहीं है। इसके बाद यहाँ पे पोस्ट आप लोगों ने देख लिया, पोस्ट के अंदर देख लेते हैं कैसे काम हुआ है। यहाँ पे किसी एक पोस्ट को ओपन किया हमने, पोस्ट को ओपन करने के बाद यहाँ पे देख लो सबसे पहले फीचर इमेज यूज हुई है और यहाँ पे देन आपके सामने एक हेडिंग यूज हुई है, हेडिंग के बाद पैराग्राफ है, थोड़ी स्पेस, फिर से पैराग्राफ, फिर पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ्स की सूरत में आर्टिकल लिखा गया है। सब हेडिंग पैराग्राफ, सब हेडिंग पैराग्राफ, सब हेडिंग पैराग्राफ्स, सब हेडिंग पैराग्राफ्स, देख लो आप लोगों ने भी जब आर्टिकल लिखना है आप लोगों ने अपने आर्टिकल के अंदर सब हेडिंग्स को यूज करना है और आर्टिकल पैराग्राफ्स की सूरत में ही लिखना है, ठीक है, पैराग्राफ्स लिखने हैं। यानी कि यहाँ पे आर्टिकल हो गया इस तरह से, बैक आ जाते हैं, बैक आके आपको दिखा दिया जाए इसका स्टैट, स्टैट के अंदर जाके आपको दिखाया जाए तो स्टैट के अंदर देख लो ऑल टाइम का ट्रैफिक यहाँ पे 44,478 है, टुडे का ट्रैफिक 73 है, यस्टरडे आया था 84 का, दिस मंथ यहाँ पे अभी मंथ की फर्स्ट डेट है तो यहाँ पे 73 का ट्रैफिक आया क्योंकि टुडे का ट्रैफिक ही वहाँ पे शो हो रहा है, लास्ट मंथ यहाँ पे 7,000 का ट्रैफिक था। तो यहाँ पे और देख लेते हैं मोर अबाउट दिस ब्लॉग के अंदर जाके ट्रैफिक आ कहाँ से रहा है, लास्ट 7 डेज के अंदर 3K का ट्रैफिक है और यहाँ पे नीचे आ जाए तो यहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक मिल रहा है फेसबुक के थ्रू, यहाँ पे URLs के अंदर आ जाए तो ज्यादा ट्रैफिक फेसबुक के थ्रू आ रहा है देन गूगल से आ रहा है, यानी कि फेसबुक के थ्रू ही ज्यादा ट्रैफिक यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे देख लिया आपने कि फ्री डोमेन और यहाँ पे पेजेस कौन से लगे हुए हैं, अबाउट अस का, कॉन्टैक्ट अस, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर। यहाँ पे आके अगर पेजेस के अंदर भी आपको दिखा दिया जाए तो पेजेस के अंदर भी आपको यहाँ पे पेजेस देखने को मिलते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, अबाउट अस, डिस्क्लेमर, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी। और लेआउट की बात करें तो लेआउट के अंदर आपको यहाँ पे टेम्पलेट जो देखने को मिलता है वो है यहाँ पे, अगर हम होम के ऊपर आके भी आपको दिखाए, न्यूज़ प्लस का टेम्पलेट है, पूरी तरह से कस्टमाइज भी नहीं है ये टेम्पलेट, पूरी तरह कस्टमाइज भी नहीं है लेकिन फिर भी एडसेंस का अप्रूवल मिल गया फ्री डोमेन के ऊपर। कैसे, आर्टिकल से लिखे हुए गूगल एडसेंस की रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया गया है आर्टिकल लिखते हुए। तो आप लोगों ने इस चीज़ को देखने का अपने पेजेस भी बनाने हैं
और गूगल एडसेंस की रिक्वायरमेंट को पूरा करते करते आप लोगों ने आर्टिकल भी लिखना है। यहाँ भी एक आर्टिकल ओपन करके आपको दिखा दूँ, ये आ गई इसकी हेडिंग जो टाइटल होता है, देन फीचर इमेज, देन एक यहाँ पे सब हेडिंग, देन देख लो पैराग्राफ, फिर से पैराग्राफ और सब हेडिंग पैराग्राफ आपके सामने, यानी कि जितनी सब हेडिंग आप यूज़ करोगे उतना बेस्ट रहेगा आपके लिए, आपको एडसेंस अप्रूवल मिलने में ईजी होगा। अब एक और चीज़ यहाँ पे दिखा दी जाए कि यहाँ पे इस टेम्पलेट को कस्टमाइज भी नहीं किया गया, इसकी देख लो यहाँ पे मेन्यू ही नहीं है। अगर मैं अपना टेम्पलेट यहाँ पे दिखाऊँ आपको, यहाँ पे हम अपनी साइट के ऊपर आके अगर आपको दिखा दे, यहाँ पे देख लो ये हमारा टेम्पलेट पूरी तरह से कस्टमाइज होने के बाद कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मेन मेन्यू भी आई है, ड्रॉपडाउन मेन्यू है देख लो यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे हॉट पोस्ट भी आ रही है ये वाली। अब अगर इसी टेम्पलेट के ऊपर आए जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख लो टेम्पलेट कस्टमाइज ही नहीं है, हॉट पोस्ट भी नहीं है, और ये मेन मेन्यू जो है वो भी नहीं है यहाँ पे देख लो, फिर भी एडसेंस का अप्रूवल है। वो कैसे है कि आर्टिकल्स के ऊपर अच्छा काम किया गया, कॉपी पेस्ट नहीं किया गया, खुद से आर्टिकल यहाँ पे लिखे गया और आर्टिकल के अंदर यानी कि अच्छा काम हुआ, सारे का सारा इमेजेस कॉपी पेस्ट नहीं की और टेक्स्ट भी कॉपी पेस्ट नहीं है, इसलिए 101% एडसेंस का अप्रूवल ईजिली मिल गया। अब सेटिंग्स के अंदर आ जाए, सेटिंग्स के अंदर आपको दिखा दिया जाए, यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन तक नहीं लिखी गई, देखो एसईओ सेटिंग तक नहीं की गई। अगर आप लोग यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, अगर आपको एसईओ सेटिंग करनी नहीं आती, एसईओ सेटिंग के लिए आप लोग हमारे चैनल पे आ सकते हो, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएगी। उसके लिए सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करके आल के बटन पे प्रेस करना है। अब यहाँ पे यूट्यूब पे आकर आप देख सकते हो एसईओ सेटिंग्स फॉर ब्लॉगर प्रो ब्लॉगिंग टिप्स, यहाँ पे इतना टाइप करोगे तो देख लो यहाँ पे आपके सामने वीडियोज आ गई है। यहाँ पे वीडियोज आपको तरह तरह की मिल जाएगी, आप लोग मेरी कोई भी एक वीडियो देख के अपनी एसईओ सेटिंग कंप्लीट कर सकते हो, यहाँ पे एडसेंस का अप्रूवल इजीली ले सकते हो, अपनी साइट को रैंक करवा सकते हो। उसके बाद अगर नीचे करके स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पे पॉज करके देख लेना, कस्टम डोमेन भी नहीं लगा हुआ, यहाँ पे आपके सामने ये देख लो HTTPS भी डिटेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे आपके सामने है कुछ इस तरह से सेटिंग, आप देख सकते हो, इसको देख के आप भी अपनी सेटिंग अलो कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से सेम एज इट इज आप भी अपनी सेटिंग कर सकते हो। ये थी हमारी आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक करना, ये हमारी जो डोमेन है ये भी .blogspot.com वाली ही है, इस पर भी एडसेंस का अप्रूवल है आपके सामने, ये देख लो एड्स पर गूगल। अब वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को मेक श्योर कर लेना कि आपने सब्सक्राइब किया। आई होप यार आपने वीडियो को पूरा देखा, एंजॉय भी किया, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को यार लाइक कर दो क्योंकि आपका एक लाइक मोटिवेट करता है मुझे इस तरह की नई नई वीडियोस लेके आने के लिए। इस तरह की नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। अगर आप भी अपने ब्लॉग का रिव्यू करवाना चाह रहे हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करो, वहाँ पर मैसेज करो, आपका भाई आपका मैसेज देखते ही आपका रिव्यू करेगा। ऐसा नहीं है यार, यहाँ पे 100 बंदा मैसेज कर रहा है, 1000 बंदा मैसेज कर रहा है, मैं सबको रिप्लाई करूँ, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पोज अगर 100 बंदा मैसेज करता है उनमें से 10 को रिप्लाई ज़रूर मिलेगा।